शुतुरमुर्ग अपना मुंह जमीन में छुपा लेता है इस भ्रम में कि अब उसे कोई नहीं देख सकेगा। कुछ यही स्थिति आजकल उत्तराखंड और केंद्र की मोदी सरकार की है। जोशीमठ में जमीन धस रही है। जोशीमठ से ऋषिकेश तक के रास्ते पर जगह जगह भूस्खलन है, घरों में दरारें हैं, होटल गिराए जा रहे हैं, लोग सड़क पर हैं। सरकार की कोशिश जोशीमठ को बचाने से ज्यादा सच्चाई छुपाने की लगती है। तभी तो इसरो की जिस रिपोर्ट ने सच्चाई बताई है, अब सरकार उस रिपोर्ट को ही हटाने पर तुल गई है। वेबसाइट से उस रिपोर्ट को हटवा दिया गया है। आखिर क्यों सरकार खुद को शुतुरमुर्ग साबित करने पर तुली है? आखिर क्यों सरकार सच से डर रही है? टोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने एक दर्जन सरकारी संस्थाओं और वैज्ञानिक संगठनों को उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव के संबंध में मीडिया से बातचीत या सोशल मीडिया पर डाटा साझा नहीं करने का हुक्म जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि वैज्ञानिकों की बातों से, डाटा से, सैटेलाइट की तस्वीरों से प्रभावित निवासियों के साथ साथ देश के दूसरे नागरिकों के बीच भी भ्रम पैदा हो रहा है। यानी सरकार मान रही है कि तर्कपूर्ण तथ्यों से, वैज्ञानिक विश्लेषण से, सैटेलाइट की तस्वीरों से भ्रम पैदा होता है, सच्चाई नहीं बताई जा सकती। अगर ऐसा है तो सरकार को सिर्फ रिपोर्ट पर रोक नहीं लगानी चाहिए बल्कि इसरो से लेकर तमाम रिसर्च सेंटर पर ताला जड़ देना चाहिए था, या फिर बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछ लेना चाहिए कि पहाड़ के धसने की असल सच्चाई क्या है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट साझा की। इस रिपोर्ट के मुताबिक महज 12 दिनों में जोशीमठ में 5.4 सेंटीमीटर धसाव हुआ। इसरो ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी साझा की, फिर अचानक इन तस्वीरों को हटा लिया गया और क्यों हटाया गया इस पर बयान देने की हिम्मत भी इसरो नहीं जुटा पा रहा है। एक वक्त था जब एक मिशन के फेल होने पर इसरो के उस समय के चीफ डॉक्टर सिवन को गले लगाकर हिम्मत बधाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने। आज जोशीमठ की हालात बताने पर इसरो की भी हिम्मत जवाब दे गई है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने द संडे एक्सप्रेस को बताया कि इसरो की रिपोर्ट को लेकर जोशीमठ में दहशत है, इसलिए उन्होंने इसरो के निदेशक से बात की और उन्हें रिपोर्ट हटाने के लिए कह दिया। धन सिंह रावत बताते हैं कि कैसे इसरो चीफ को उन्होंने हड़काया है। उन्होंने वेबसाइट से उस रिपोर्ट को हटवा दिया है जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि जोशीमठ में जमीन कैसे धस रही है। उन्होंने कहा है कि मैंने केवल आधिकारिक बयान देने के लिए कहा है और वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करने के लिए कहा। धन सिंह रावत ने कहा कि मैंने उनसे केवल सच बोलने के लिए कहा और अगर ऐसा नहीं है तो उसे वेबसाइट से हटा दें। धन सिंह रावत के मुताबिक उन्होंने सिर्फ अनुरोध किया है कि आधिकारिक रिपोर्ट दें, जब तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट ना हो तब तक ऐसी कोई भी जानकारी साझा ना करे जिससे हड़कंप मच जाए। लगे हाथों NDMA ने भी इसरो से साफ साफ कह दिया कि रिपोर्ट कोई भी हो बिना सरकार की मंजूरी के नहीं छापेंगे, आप नहीं बताएंगे। जिस इसरो की देखरेख सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होती हो उस इसरो के चीफ को उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हड़का दें, रिपोर्ट को हटवा दें, ये तो कमाल की बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे रिपोर्टिंग जिस महकमे की होती है उसको उत्तराखंड सरकार का कोई भी मंत्री इस तरह से हड़का के किसी भी रिपोर्ट को भ्रामक बताकर उसे उसकी वेबसाइट से हटवा देता है और सरकार के भीतर एक खामोशी देखने को मिलती है, तो इसे यही कहा जा सकता है कि सरकार खुद ही अपने आप को शुतुरमुर्ग साबित करने पर तुली हुई।